बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चीज़ी चिकन फ्राइज, व्हिच इज़ वेरी इजी टू मेक। और आप देख सकते हैं कि ये कितना मज़े का लग रहा है। ये देखें, दिस इज़ परफेक्ट रेसिपी फॉर चीज़ लवर्स। ये देखें कितना चीज़ी चीज़ी है ये देखें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ मैंने लिया चिकन बोनलेस 300 ग्राम, जिसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया। अब मैं इसमें डालूंगी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून और ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो गार्लिक पाउडर की जगह गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं छोड़ दूंगी 30 मिनट के लिए काउंटर टॉप पे। इसको साइड पे करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स, ये मेरे होममेड हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं। साथ में ले रही हूँ पानी। अब एक चिकन का पीस उठाएंगे, पानी में डिप करेंगे और साथ ही ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। अच्छी तरह से इसे कोट करना है। ये देखें इसी तरह से सारे कर लेंगे। ये देखें मैंने सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने ऑयल लिया है फॉर डीप फ्राइंग। अब एक एक करके मैं इसमें पीसेस डालूंगी। सारा भर नहीं देना है, जितने आ सकेंगे उतने ही पीसेस डालेंगे, नहीं तो फिर हिलाने में कोटिंग ख़राब हो जाएगी। इसको फ्राई करना है जब तक कि अच्छा सा कलर ना आ जाए इसके ऊपर। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ चुका है इसके ऊपर, गोल्डन ब्राउन। अब इसको निकाल लेंगे, ऑयल अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। सारे पीसेस मैंने फ्राई कर लिए हैं। नाउ इट्स टाइम टू असेंबलिंग। तो यहाँ मैंने लिए फॉइल कंटेनर, डिस्पोजेबल है ये। अब इसमें डालेंगे फ्राइड चिकन। चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि बेस कवर हो जाए। अब इसमें डालेंगे मोज़रेला प्लस चेडर चीज़। जिसको ज़्यादा चीज़ पसंद है वो भर भर के डाले और जिसको कम पसंद है वो कम डाले। मुझे चीज़ बहुत पसंद है इसलिए मैंने बहुत सारी डाली है। अब मैं डाली हूँ शिमला मिर्च। जिनको प्याज टमाटर पसंद है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ शिमला मिर्च पसंद है। अब छिड़क रही हूँ ऑरिगानो, छिड़केंगे इसके ऊपर और साथ में चिली फ्लेक्स। अब लगाएंगे ऑलिव्स। मैं अब ब्लैक ऑलिव्स यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको बेक करेंगे, सिर्फ जब तक के लिए बेक करना है जब तक चीज़ मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ कुक्ड है इसके अंदर। ये रेडी है। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है चीज़ी सा। जिनको वेट गेन करना है वो इसे ज़रूर ट्राई करें, और जिनको वेट गेन नहीं करना वो इससे दूर रहें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैट है। ये देखें कितना चीज़ी है ये और बहुत मज़े का है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा बना है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।